नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। मलाइका अरोड़ा के साथ रिश्ते को लेकर अर्जुन कपूर इन दिनों खासा चर्चाओं में है। यहां तक कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की शादी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबर है कि दोनों जल्द ही शादी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या अर्जुन कपूर को इस रिश्ते के लिए बहन अंशुला कपूर से ग्रीन सिग्नल मिल गया है? दरअसल अर्जुन कपूर एक चैट शो में अपनी बहन अंशुला कपूर के साथ पहुंचे। इस चैट शो में भाई और बहन की केमिस्ट्री जबरदस्त देखने को मिली। शो में अर्जुन कपूर तो नहीं, लेकिन उनकी बहन अंशुला ने मलाइका अरोड़ा से रिश्ते पर अपनी राय रख दी। दरअसल इंटरव्यू के दौरान जब अंशुला से पूछा गया कि अर्जुन की कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड उन्हें कम पसंद आई, तो अंशुला ने स्मार्टली जवाब देते हुए कहा, दरअसल मुझे उनकी सारी गर्लफ्रेंड्स पसंद थी, मैं उनकी सभी एक्स गर्लफ्रेंड की दोस्त हूँ। ऐसे में अंशुला के इस जवाब को ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि बहन ने अपने भाई को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और मलाइका अरोड़ा को स्वीकार कर लिया है। वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को अक्सर साथ साथ स्पॉट किया जाता है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज नजर आते हैं। खबरें तो ये भी थी कि अर्जुन और मलाइका इस साल यानी कि 2019 में शादी के बंधन में भी बन सकते हैं, लेकिन अभी तक दोनों की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जानकारी इस बात की भी मिली थी कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने अपने लिए अपार्टमेंट भी देख लिया है, जहां वो शादी के बाद शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा शादी कब करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दोनों इस सवाल से अक्सर बचते हुए नजर आते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और कपूर परिवार ने मलाइका अरोड़ा को स्वीकार कर लिया, तो इस साल के आखिरी तक अर्जुन और मलाइका की शादी हो सकती है, यानी कि मलाइका अरोड़ा एक बार फिर दुल्हन बनने के लिए तैयार है। वैसे आपको ये जोड़ी कैसी लगती है और इनकी शादी पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।